अरुण की कहानियाँ सुन रहे हैं आप लोग स्टोरी विथ अरुण पर। और आज मैं आप लोग को सुना रहा हूँ कहानी दादी माँ। जिस तरह से एक बच्चे को अपनी बाल्यकाल में अपनी पेरेंट्स की सहारे और संरक्षण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक पेरेंट्स को भी उनकी बुढ़ापे में अपनी बच्चों की साथ और सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आज की जेनरेशन इस रिश्ते और इसकी अहमियत को समझ पाते हैं? अगर हाँ तो सब कुछ ठीक है, और अगर ना ही तो फिर उसी पृष्ठभूमि और पृष्ठ परिस्थिति से शुरू होती है हमारी ये आज की कहानी, कहानी दादी माँ। ये कहानी है भारत के बिहार प्रांत की एक कस्बे में अवस्थित ललिता निवास की। दो भाइयों की धनी और संपन्न इस परिवार में उन दोनों की बीवियाँ और दोनों के दो दो बच्चे थे। वे सब ललिता निवास नाम के एक बड़ी सी आलीशान कोठी में रहते थे। घर में खाने पीने और भौतिक सुख सुविधाओं के सारे सामान मौजूद थे। उस कस्बे के सबसे धनी धनाढ्य और संपन्न फैमिली में से थे ये लोग। लाखों की ये कोठी और इतना सारा धन संपत्ति जैसे इनको विरासत में ही मिली हो। घर में किसी भी सामान की कोई कमी नहीं थी। उसी घर के एक छोटी सी कोठरी में घर का एक और सदस्य रहता था जिसकी परवाह किसी को न थी। ये थी उन दोनों लड़कों की माँ और घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य 95 वर्षीय ललिता देवी, जिनके नाम पर ही उनके पति ने ये आलीशान महल बनवाया था, ललिता निवास। बुढ़ापा जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन पड़ाव होता है। अगर घर में अपनों का सहारा और लाड प्यार न मिले तो उम्र का ये पड़ाव अभिशाप बन जाता है। इसी उम्र में ऐसे वृद्ध वृद्धा को अपने बच्चों और रिलेटिव की सबसे ज़्यादा माया, प्रेम, स्नेह और केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन ललिता देवी के लिए उनका बुढ़ापा सच में अभिशाप बन गया था। दो दो बेटे बहुए के होते हुए भी किसी को उनकी चाह न थी। कभी कोई उनका शोध पूछ नहीं रखता। बेटे बहुए पर जैसे उनका बुढ़ापा कोई बोझ सा हो जिससे ये लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। ललिता देवी अपने कमरे के बिस्तर पर पड़े पड़े अक्सर अपने उन दिनों को याद करके रोती बिलखती रहती जब वो नई नई शादी करके इस घर में आई थी। कितना प्यार, दुलार और इज्जत सम्मान करते थे उनके पति। जब वो शादी करके आई तो यहाँ कुछ न था। फिर ललिता देवी के साथ इनका प्यार, स्नेह और इनके पति के अपने मेहनत, मजदूरी और लगनशीलता के बदौलत खूब धन कमाया, इज्जत शोहरत कमाई और ये आलीशान महल बनवाया। अपनी धर्म पत्नी ललिता देवी के नाम से ही इस महल का नाम रखा गया, ललिता निवास। कितना प्यार करते थे इनके पति इनसे। फिर अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया और कुछ करने की काबिल बनाया। फिर बड़े ही धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी करवाई। उसके बाद सारा परिवार कितना मिलजुल कर एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन ये खुशी शायद ललिता देवी के नसीब में ज़्यादा दिन तक न था। शादी के 5 साल बाद ही ललिता देवी के पति हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद तो जैसे ललिता देवी के जीवन में अकेलापन और उदासी सा छा गया। फिर भी उन्हें ये सोचकर अपने दिन काटे कि चलो पति नहीं रहे तो क्या हुआ, सर पे बेटे बहुओं का साया और इन सब का साथ तो है, इन्हीं लोगों के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी भी काट लूँगी। लेकिन ललिता देवी की ये भी ख्वाहिश ज़्यादा दिन तक टिक ना सकी। धीरे धीरे अपने बेटे बहुओं की बोली भाषा और उनके व्यवहार में परिवर्तन देखकर शुरू शुरू में तो ललिता देवी को यहीं यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही उन्हें ये समझते देर न लगी कि पति के मरने के बाद खुद उनके अपने ही बेटे बहू अब जल्लाद बन चुके हैं। बात बात पर ललिता देवी को ताना मारना, उनकी
उपेक्षा करना, घर की सारी काम नौकर के जैसे उनसे ही करवाना, बात बात पर उनका अपमान और तिरस्कार करना, जैसे अब हर रोज की कहानी हो गई थी। जैसे जैसे ललिता देवी की उम्र बढ़ती गई, उनका बुढ़ापा भी बढ़ता गया। शरीर अब पहले जैसा बलवान न रहा, हड्डियाँ कमजोर होने लगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी, बाल सफ़ेद होकर झड़ने लगी, कमर में दर्द शुरू होने लगा और देखते ही देखते बुढ़ापे ने उन्हें अपने चपेटे में ले लिया। अब तो वो अपने बिस्तर से भी बड़ा मुश्किल से एक लट्ठी के सहारे उठ पाती थी। बड़ा ही करुणामयी और निर्दयी हालात थी उनकी। अपने कमरे में पड़े पड़े ही सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती, लेकिन किसी को भी उनकी चाह न होती। अगर मन किया तो कभी रोटी के दो टुकड़े ऐसे लाकर पटक देते जैसे भूखे कुत्ते के आगे कोई रोटियां फेंक रहे हो। उस वृद्ध औरत के लिए किसी के मन में न दया थी न करुणा। पहले पहले तो दोनों बेटे ठीक थे, माँ बाप का हर कहना मानना और सेवा भी करते थे, लेकिन दोनों बेटों के शादी के बाद और अपने पति के गुजर जाने के बाद दोनों बेटों ने अपना रंग ऐसा बदला जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलता हो। दोनों के दोनों बेटे शैतान का रूप ले चुके थे। पिता के मरने के बाद बूढ़ी माँ को ऐसे अकेले छोड़ दिया जैसे उनसे कोई वास्ता ही ना हो। एक कमरे में पड़े पड़े वो बूढ़ी औरत दिन भर भूखे प्यासे तड़पती रहती, लेकिन घर में उसकी चाह किसी को ना होती। घर में कुछ भी पकवान बनते तो घर लगाए पड़ोसी तक को मिल जाता, लेकिन इस बुढ़िया को कोई पूछता तक नहीं। पेट भर ठीक से भोजन करने को भी अकाल था उसके लिए। घर के चारों बच्चे जो उस बुढ़िया के पोते पोतिया थी, वो उन्हें अक्सर करुणा भरी नज़रों से देखते। उनके पास जाकर कभी उनको पानी देते तो कभी उनका लाठी का सहारा देते। वो अबोध बच्चे तो अपनी दादी माँ के पास रहना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ के डर से ये बच्चे ज़्यादा समय तक अपने दादी माँ के पास नहीं रह पाते। उन बच्चों की माँ ने साफ साफ उन्हें हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई भी उस बुढ़िया के पास गया तो उसकी कोई भी काम किया तो तुम लोगों का खैर नहीं। ये दोनों ही बहुएं अब चुड़ैल जैसे व्यवहार करने लगी थी। इनकी नज़रों में खुद अपनी ही बूढ़ी और बेसहारा सास की कोई इज्जत न थी, कोई दया माया और करुणा न थी। जब तक इस बुढ़िया से घर का कुछ काम हो पाता था, तब तक इन लोगों ने इससे नौकरों के जैसे घर का सारा काम करवाया, लेकिन जब इनकी उम्र ढलती चली गई और बुढ़ापे ने अपनी कस में ले लिया, तो इनके लिए बुढ़िया एक बोझ से बढ़कर और कुछ न थी। ये लोग तो बस यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस बला से पीछा छूटे। अगर इनकी बस चले तो कब का ये इसे बुढ़िया को अनाथ आश्रम में फेंक आए होते, मगर लोक लाज के डर से ये लोग ऐसा कर न पाए। बस एक ही डर पड़े पड़े रोती बिलखती इस बुढ़िया के जैसे अंतिम दिन कट रहे हो। उम्र के अपने अंतिम पड़ाव में 95 वर्षीय उस वृद्धा के जैसे हलक में सांसें अटकी हुई थी। वो अक्सर अपने कमरे में पड़े पड़े ही बड़े ही दुख और करुणा भरे शब्दों में कुछ गुनगुनाती और अक्सर कुछ गाती रहती थी। अक्सर उनके कमरे से एक वीरान और करुणामय आवाज़ें आती, सोने के पिजाड़ावा से उड़ जैबो रे चिरैया, जाही नहीं संगे तोरा धने अटरिया, छूटी जाइए पीछे तोहर धने जेवराता, जाइए संगे तोहर खाली प्राणे के पखेड़ुआ। इस करुणा से भरे गीत में एक ऐसा दर्द था जो सुनने वालों को दिलों के छू जाता था। बड़ा ही मायूस और तड़प थी उस बुढ़िया की आवाज़ में। इसी तरह से दिन बीतते चले गए और बीते दिनों के साथ ही रोते बिलखते तड़पते दर्द की अंतिम पड़ाव में जिंदगी से जंग हार कर आखिरकार एक दिन उस बुढ़िया ने अपनी अंतिम सांस ली और बस दम तोड़ दिया। बुढ़िया के मरने के बाद जैसे इन बेटे बहुओं को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो, ये लोग दुनिया के दिखाने के लिए झूठ मूठ का रोने धोने का नाटक करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग बहुत खुश थे। अगर उस बुढ़िया के मरने से कोई सच में उस घर में दुखी था तो वो थे वो चारों बच्चे जो अपने दादी माँ के बहुत करीब थे।
दादी के वो चार नाती पोते जो अपने दादी से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत दुख था अपने दादी के मरने को लेकर। उस बुढ़िया के मरने के बाद उस कोठरी को जिसमें वो रहती थी उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बेटे बहू काफ़ी खुश थे कि सर से एक बला तो टली और कुछ बोझ कम हुआ, रोज़ रोज़ की किचकिच और इस परेशानी से मुक्ति मिली। वो लोग मन ही मन बहुत खुश थे, लेकिन वो लोग शायद ये नहीं जानते थे कि ये खुशी तो उनकी क्षणिक पल दो पल की है, डर और खौफ की असली मंजर तो अब शुरू होने वाला था उनके जीवन में। दादी माँ के मरने के बाद भी अपने अंतिम समय में गया हुआ वो दर्द भरा गीत जैसे आज भी उस घर के कोने कोने में गूंज रहा हो। बड़ा ही भयानक और डरावना सा आवाज़ में उनका वो गाया गीत जो अब खौफ की दस्तक बन गई थी, वो आज भी दादी का गीत उसी कमरे के कोने कोने से सुनाई दे रहा था। स्टोरी विथ अरुण में अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियाँ। आज की कहानी दादी माँ, आरजे अरुण के साथ। वृद्धा अवस्था इंसान की उम्र का वो पड़ाव होता है जब मन में जिभरा स्वाद और परिवार में अपनों के साथ और उनके प्यार दुलार और स्नेह की चाह के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती। इसीलिए हर वृद्ध वृद्धा की सेवा कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। उनका यही आशीर्वाद आपको जिंदगी की हर अभिश्राप से बचाएगा। ललिता निवास में रहने वाली वो दादी माँ अब मर चुकी थी। उनके कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। दादी माँ के मर जाने से उनके बेटे बहू को कोई अफसोस ना था। वो खुश थे कि घर से एक बोझ हट गया। बेचारी उस दादी माँ की मौत जिन हालातों में हुई थी उनकी रूह को शायद कभी चैन ना आता। 95 वर्षीय वो दादी माँ अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरी हुई थी और इन सब का जिम्मेवार उनका ही बेटा और बहुएं थी। उन लोगों का बद से बदतर व्यवहार, अपमान और तिरस्कार और उपेक्षा ने उस दादी माँ ललिता देवी को मरने पर विवश किया हो जैसे। शायद वो अभी भी अपने बेटे बहुए के साथ सुख शांति और प्यार दुलार से जीना चाहती थी, लेकिन उनके अपने ही संतान की दरिंदगी और हैवानियत ने उन्हें जीते जी मार दिया था। उनका ये इच्छा और आकांक्षा अधूरा रह गया था और अब वो सदा सदा के लिए इसी ललिता निवास की को छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत ही दर्द तड़प और बेचैनी में मौत हुई थी ललिता देवी की, उस दादी माँ को। दादी के मरने के बाद भी उनका वो दर्द भरा गाना जिसे अक्सर वो अपने तकलीफ़ों की तन्हाइयों और मायूसी भरे अकेलेपन में गुनगुनाया करती थी, उनके कमरे से अक्सर उनका दर्द भरा वो गीत सुनाई पड़ता था। ऐसा लगता जैसे वो गीत आज भी कोई दादी के रूम में गा रहा हो। बेशक ललिता देवी अब मर चुकी थी और उनके मरने के बाद से ही उनका वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया था, एक बड़े से ताला बंद कर दिया गया था दादी के कमरे के मेन दरवाजे पर। फिर भी ऐसा लगता जैसे उनका गाया हुआ वो दर्द भरा गाना आज भी कोई उनके बंद कमरे में गा रहा हो। जब दादी जिंदा थी तो बड़ा ही व्याकुल और करुणा भरे शब्दों में गीत गाती, भूख से बेहाल वो गीत गा गा कर ही खुद को सांत्वना देती। आज वही दादी मरने के बावजूद भी उसी घर में अपने होने का संकेत दे रही थी, अपनी उसी दर्द भरी बेसुरी गीतों के जरिए। बड़ा ही डरावने और खौफ भरे पल होते थे वो। एक रात घर के सारे सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, तभी घर के बड़ी बहू को प्यास लगने की वजह से आधी रात को नींद खुली। वो करीब रात के 2 बजे पानी पीने के लिए नीचे किचन में आई तो अचानक से उसने कुछ सुना। बच्चों की कमरे से किसी की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। इतनी रात गई है, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं और किससे बातें कर रहे हैं ये लोग इस वक्त?
यही सोचकर जब बड़ी बहू ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सारे बच्चे सो रहे थे सिवाय सबसे छोटी बच्ची नेहा की। नेहा की उम्र करीब 4 साल की थी। वो अपने बेड पर बैठी थी मानो किसी से बातें कर रही हो। नेहा की माँ दबे पांव कमरे में आई और धीरे से बोली, नेहा इतनी रात गई तुम अभी तक जाग रही हो और किससे बातें कर रही हो अभी तुम? नेहा ने बड़ी ही शालीनता से धीरे से अपने माँ को जवाब दिया, दादी आई हुई है माँ, उन्हीं से बात कर रही थी। वो आप लोगों से बहुत नाराज है, वो बहुत दुखी लग रही थी माँ और रो भी रही थी। नेहा के इतने कहते ही उसकी माँ के जैसे पूरे बदन में सिहरन सी हो गई। कमरे में गौर से देखा तो कोई न था। वो फिर बोली, अब कहाँ है दादी? नेहा बोली, माँ आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला दादी यहाँ से चली गई। वो आप लोगों से बात करना नहीं चाहती, वो आप सब से बहुत नाराज लग रही थी। उसके बाद नेहा के मम्मी बिना कुछ बोले सीधे नेहा को उठाकर अपने कमरे में लाई और उसे अपने पास ही उस रात सुला दिया। डर और खौफ से उस रात नेहा की माँ को बिल्कुल भी नींद न आई। अब तो जैसे ये हर रात की घटना हो गई थी। हर रात ऐसे ही नेहा के कमरे में दादी आती और उससे ढेर सारी बातें करती, उसे खूब लाड प्यार और दुलार देती। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि दादी को उस घर में नेहा के सिवाय अब तक और किसी ने भी ना तो देखा था और ना ही किसी ने उनकी बातें सुनी थी। दोनों भाइयों के बच्चे एक ही कमरे में सोते थे और अक्सर उनकी कमरे से हंसने बोलने और ढ्राम ढ्रूम की आवाज़ें आती रहती थी। नेहा का बड़ा भाई आनंद तो जो कि नेहा से 1-2 साल का बड़ा होगा, उसने तो माँ से यहाँ तक पूछ लिया कि माँ दादी कहाँ चली गई, अपने घर क्यों नहीं रहती, वो सिर्फ रात को ही आती है हमारे कमरों में और फिर चली जाती है माँ, ऐसा क्यों माँ, दादी अब क्यों नहीं हम लोग के साथ रहती है? इतना सब सुनकर आनंद के माँ का भी होश उड़ गया, यानी कि अब वो दादी नेहा के साथ साथ आनंद और बाकी बच्चों को भी दिखाई देने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, सब लोग बैठकर रात को खाना खा रहे थे, तभी उतने में ही नेहा ने 2 रोटियां हाथ में छिपाए वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी उसके डैडी ने नेहा को यूँ रोटियां ले कर जाते हुए देखा तो बोले, नेहा ये रोटियां तुम हाथ में छुपाए कहाँ लिए जा रहे हो बेटा? नेहा ने बड़े ही मासूमियत से बोली, डैडी दादी अपने कमरे में भूखी बैठी है, उन्हीं को रोटी देने जा रही हूँ, उन्हें भी तो भूख लगा होगा ना पापा। इतना सुनते ही डैडी को गुस्सा आ गया। वो थोड़ा कड़े शब्दों में बोले, नेहा तुमको हमने कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी दादी अब चली गई है और अब वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगी, फिर तुम बार बार झूठ क्यों बोलती हो कि दादी यहीं है और तुमने उन्हें देखा है? नेहा ने फिर उसी मासूमियत से डैडी को जवाब देते हुए बोला, नहीं पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में दादी अपने कमरे में ही है। अभी कुछ देर पहले मुझसे बोली थी कि रात को उनके लिए भी रोटी उनके कमरे में रख दिया जाए। इतना सुनते ही नेहा के पापा और गुस्सा हो गए। वो तुरंत जाकर दादी के कमरे को देखा, मगर आश्चर्य इस बार कमरे पर कोई ताला ना था और कमरा खुला हुआ था। उस कमरे में दादी तो नहीं थी, लेकिन दादी की वही पुरानी लट्ठी उनकी छड़ी रखी हुई थी, जिस छड़ी के सहारे दादी अक्सर इधर उधर आया जाया करती थी, जिसे दादी अक्सर अपने सहारे को यूज करती थी, वही छड़ी आज दादी के कमरे में पड़ी थी। मगर आश्चर्य की बात थी कि दादी के कमरे का ताले का लॉक किसने खोला, और ये छड़ी जिसे हमने दादी के क्रियाक्रम के साथ ही फेंक दिया था, ये अचानक से आज फिर यहाँ कैसे आ गया? घर में सबसे पूछा गया, लेकिन किसी ने दादी के कमरे का लॉक खोलने और उस छड़ी को लाने की बात नहीं सकारी। बाद में उन्हें लगा कि शायद ये बच्चों की ही शरारत होगा और ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद तो जैसे डर और दहशत की कभी भी ख़त्म न होने वाली एक ऐसी दौर शुरू हुआ जिसने इस ललिता निवास के आलिशान बंगले को खंडहर में परिणत कर दिया।
उस बूढ़ी दादी के साथ इन लोगों ने जो कुछ भी पाप और अपराध किया था उसका भुगतान चुकाने का अब वक्त आ चुका था। शायद किसी ने सच ही कहा है कि घर का असली सुंदरता बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। जिस घर में बूढ़ पुरनिया लोग खुश न हो, जहाँ पर वृद्ध वृद्धा की इज्जत हो, उनका सेवा हो, मान सम्मान हो, उनका आदर और सत्कार हो, उस घर में देवता का वास होता है। भगवान भी वहाँ खुश रहते हैं जहाँ बूढ़े लोग हंसी खुशी से विराजमान होते हैं। घर की असली शोभा और रौनक इन्हीं बूढ़े लोगों से होता है। इनकी हंसी खुशी और खुशहाली से ही घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जिस घर में बूढ़े और वृद्ध लोगों की आत्मा रोती है, जिन्हें दुख तकलीफ और अपमान का सामना करना होता है, वैसे घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। हमारे बूढ़े हो चुके माँ बाप ही हमारे घर की सबसे अनमोल धन और हमारे स्वाभिमान होते हैं। लेकिन अफसोस कि आज का जेनरेशन कतई इस बात को समझ ना सका। धन रुपये की लालच में इंसान इतने नीचे गिर गया कि रिश्तों के सारे गरिमा को मिट्टी में मिला दिया, उसके पवित्रता को खत्म कर दिया और पैसों के खातिर हर रिश्ता का कत्ल कर दिया, रिश्तों को शर्मसार कर दिया हो। जैसे ललिता निवास में रहने वाली उस बूढ़ी दादी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके अपने ही उनको मरने पर विवश कर दिया, उन्हें जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया गया और अब उसी ललिता निवास की सारी रौनक खत्म हो गई थी। जो ललिता निवास एक समय में अपने शानो शौकत, रंग रोगन और आलिशानता के प्रतीक माना जाता था, दादी के मरने के बाद न जाने क्यों आज वही महल अब एक भूतिया महल से कम न लगा। बड़ा ही वीराना और बड़ा ही भयानक हो गया था अब वो ललिता निवास। दादी के छोटी बहू को भी अब सपने में रोज बुरी बुरी चीज़ें और घटनाएं दिखने लगी। बड़ा ही खतरनाक और भयानक सपने होते थे वो। हर सपने के लास्ट में एक सफ़ेद चादर में लिपटी दादी के वहीं भयानक चेहरा सामने आ जाता। मगर इस बार दादी का चेहरा बड़ा ही अजीब और डरावना सा लगता। अचानक डर से उनकी आंखें खुल जाती और वो चीख कर नींद से जग जाती और कई घंटों तक सपनों में दिखी उस खतरनाक मंजर के खौफ में घिरी रहती। और ये डरावना सपनों का सिलसिला अब हर रोज़ शुरू हो गया था। ऐसा लगता जैसे ललिता देवी मर कर भी उस घर से जा ना पाई, जैसे आज भी उसी ललिता निवास के अपने कमरे में रहती हो। एक खौफनाक प्रेतात्मा के रूप में वो आज भी उसी घर के अपने कमरों में रहती हो। स्टोरी विथ अरुण में अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियाँ। आज की कहानी दादी माँ, आरजे अरुण के साथ। जिस घर में बड़ों का आदर और रिस्पेक्ट न हो, छोटों को प्रेम दुलार और स्नेह ना मिले, जिस घर में संस्कार और अनुशासन का पालन ना हो, जहाँ पे रिश्तों की गरिमा और उनकी अहमियत ना हो, उस घर में सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आ सकती और वैसे घर में विनाश निश्चित है। जिस दादी के दो बेटे और दो बहुएं थी, धन संपत्ति और रुपये पैसों की कोई कमी न थी, बावजूद इसके उस दादी को अपनी अंतिम सांसें दुख दर्द, भूख प्यास और बेइज्जती अपमान के साथ लेनी पड़ी। इसी शोषण, तकलीफ और घुटन के कारण दादी तड़प तड़प कर मर गई। उन्हें मारने के पीछे उनके बेटे बहुए का ही हाथ था। अपने ही बेटे बहुए से उपेक्षित, उनके अपमान और तिरस्कार के कारण भूखे प्यासे दुख दर्द और तड़प से बहुत ही करुणामय दर्द में जान गई थी उस दादी माँ की, जो उन्हें फूटे आँख न भाती थी। दादी तो मर गई, लेकिन अधूरी इच्छा और तड़पते ख्वाहिश के बीच उनकी आत्मा को शांति न मिल सकी। जब वो जिंदा थी तब वो हमेशा सोचती, कभी तो मेरे बेटे बहू को उनकी गलती का एहसास होगा और वो मुझसे अपने करने का माफ़ी मांगेंगे, मुझसे ढेर सारा प्यार और दुलार करेंगे, मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान करेंगे। कभी तो उनके दिल में मेरे लिए करुणा जागेगी और उन्हें भी मुझसे प्यार होगा।
मेरे साथ ढेर सारी बातें करेंगे, मुझे इस अकेली काल कोठरी से मुक्त कराएंगे और अपने फैमिली में मुझे भी प्यार इज्जत और सम्मान के साथ रखेंगे। लेकिन दादी की ये अधूरी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। उन्हें अपने अंतिम दिनों में भी बेटे बहुए से तिरस्कार, जिल्लत, बेइज्जती और अपमान के सिवा और कुछ मिल ना सका। इसी के कारण मरने के बाद भी उनकी तड़पती हुई बेचैन आत्मा आज भी उस घर में कैद होकर रह गई थी। मरने के बाद भी उनकी आत्मा को मोक्ष न मिल सका और अपने हर अपमान और दर्द का बदला लेने के लिए उनकी आत्मा बेचैन थी। जब तक उनका प्रतिशोध पूरा ना हो जाता, वो इस घर से जाने वाली नहीं थी। शायद दादी की छोटी बहू को अब हर दिन डर और खौफ का दौरा पड़ने लगा। बैठे बैठे ही अचानक जोर जोर से चीखने लगती, मुझे माफ़ कर दो माई, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे। ऐसे ही वो बड़बड़ाती रहती। ऐसा लगा रहा था जैसे उसके सामने मरी हुई दादी खड़ी हो, लेकिन औरों को वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता था। उनको कई सारे डॉक्टर को भी दिखाया गया, बहुत दवाइयाँ चली, कई सारे टेस्ट हुए, काउंसलिंग कराई गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अंत में उन्हें एक पहुँचे हुए फकीर बाबा से भी दिखाया गया। बाबा ने उसको गौर से देखा और पिछले बीते हुए सारी घटनाओं को गौर से सुना और सारी बातें सुनने के बाद बाबा बोले, तुम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सिर्फ गलती ही नहीं, घोर पाप किया है तुम सब ने। उस बूढ़ी आत्मा के प्रतिशोध के आग से अब कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाओगे, तुम सब का विनाश निश्चित है। जिस बूढ़े माँ बाप को लोग अपने प्राणों से भी ज़्यादा माया करते हैं, उनकी हिफाजत और रक्षा अपने जान से भी ज़्यादा करते हैं, उसी बूढ़ी माँ को तुम सब ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कई सालों तक उन्हें अंधेरी काल कोठरी में बंद करके रखा है तुम लोगों ने। ये सिर्फ गलती ही नहीं, एक पाप है, महापाप। अरे इस गलती के लिए तो तुम्हें स्वयं भगवान भी माफ़ नहीं कर पाएगा, तो फिर मैं भला क्या चीज़ हूँ। चले जाओ तुम सब यहाँ से, जाओ, तुम्हारा अंत समय अब आ चुका है। वो तड़पती रूह आत्मा तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अपना बदला जरूर पूरा करेगी। वो साधु अंतर्यामी और बहुत ही सिद्ध बाबा थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से वो सारा सच जान लिया था जो पहले हो चुका है, और अब जो आगे घटनाएं होने वाली थी वो सारी भविष्य की घटनाएं भी शायद इस सिद्ध बाबा ने अब देख लिया था अपने दिव्य दृष्टि से। इधर ललिता निवास के छोटी बहू का तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा। बार बार उसे दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखों में हर वक्त दादी का खौफ और डर रहता। ऐसा लगता जैसे मानो दादी अपनी बहुत ही नफरत और गुस्से भरे चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी हो। वो हर पल दादी को अपने आसपास महसूस करती। उनकी हालत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी उनका बिहेवियर पागलों के जैसे हो जाता था। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कर देना चाहिए, लेकिन उसके घर वालों ने उसे एडमिट कराने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि घर पर दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी शायद, लेकिन उसकी मानसिकता से डर और खौफ जा ही नहीं रहा था। अक्सर वो चीखते हुए कहती, मैंने दादी माँ को देखा है, वो मेरे आसपास हर पल रहती है, वो इसी घर में है, वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो हम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो हम सबको मार देगी। उसको पागलों के जैसे दौरा पड़ता और ऐसे ही बातों से वो चीखती चिल्लाती, आंखें लाल लाल हो जाती, चेहरे पर सिकन आ जाती और जोर जोर से चीखते चिल्लाते वो दौरे में बेहोश हो जाती। और ऐसे ही ये दौरा उसे हर रोज पड़ता। ये सब हालत दादी के मरने के बाद ही शुरू हुए थे। दादी के मरने के 12 दिन बाद से ही उस घर में बच्चों को दादी से बातें करना, उनके कमरे में दादी का होने का बात कहना बच्चों द्वारा, दादी के कमरों का ताला खुला हुआ और उनकी वो छड़ी आज उनके कमरे में थी, जबकि उस छड़ी को उनके चिता में ही जला दिया गया था, लेकिन न जाने कहां से वो छड़ी फिर से दादी के कमरे में आ पहुंची थी। फिर छोटी बहू को सपने में दादी का आना, हर तरफ दादी के रूह को महसूस करना, दादी के कमरे से वो दर्द भरा उनका गीत आज भी जैसे
सुनाई देना, डर और खौफ में चीखना चिल्लाना, ये सब बरदाते दादी के 13वीं के बाद ही शुरू हुई थी। मरने के बाद भी बेचैन दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी और अब उनका गुस्सा और नफरत इस घर पर और यहाँ के लोगों पर बिजली बनकर टूट रही थी। इसी बीच एक और भयानक घटना हुई। एक दिन किसी विशेष काम से दादी के बड़े बेटे और बहू को शहर जाना पड़ा। घर पे छोटे भाई और उसकी बीवी के साथ चारों बच्चे भी थे। शाम को घर आते आते उन्हें लेट हो गई और रास्ते में ही रात के 8 बज गए। वो लोग अपने ही गाड़ी से ड्राइव करते हुए हाईवे से आ रहे थे। पता नहीं क्यों आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक से ये तूफानी और जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। बड़ा ही तूफानी और भयानक रात थी वो। हर तरफ पानी ही पानी और उस पर जोरों से ये आंधी तूफान। अब तो गाड़ी चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। रास्ते बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। पूरे हाईवे पर सिर्फ इन्हीं की गाड़ी तेज़ी से जा रही थी। दादी का बड़ा बेटा ही ड्राइव कर रहा था। वो लोग बस अब कुछ और दूरी के फासलों को तय करके अपने शहर पहुंचने ही वाले थे कि एक बहुत ही भयानक हादसा इनके साथ हुआ। दादी के बड़े बेटे और बहू जिस गाड़ी में बैठे हाईवे से तेज रास्ते गुजर रहे थे, तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए ये जा रहे थे। तेज मूसलधारी बारिश और जोरों के तूफान के कारण दूर सामने की सड़क कुछ अस्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही थी। तभी अचानक से कोई 95 साल के एक बुढ़िया अपने आधे जले हुए चेहरे के साथ एक सफ़ेद चादर में लिपटी इनके गाड़ी के सामने आ गई। अचानक से इतनी खौफनाक बुढ़िया को एक चादर में लिपटी जले कुटे हुए चेहरे के साथ अपने गाड़ी के सामने आते देख वो बुढ़िया अचानक से इतनी जल्दी इनकी गाड़ी के सामने आई थी कि वो ड्राइव करते हुए बड़े बेटे को खुद को संभालने का मौका तक नहीं मिला। एक तो इतनी भयानक चेहरा और सफ़ेद चादर में लिपटी इस डरावनी काया को देख ये लोग इतने डर गए कि अपने आपा खो दिए, और दूसरी इन्हें बचने को चाह में इसने अचानक जोर से गाड़ी को दाईं ओर मोड़ दिया। ये लोग उस बुढ़िया को बचाने के चक्कर में गाड़ी को तेज़ी के साथ दूसरी ओर मोड़ दिया था। अचानक से गाड़ी को मोड़ी गई दाएँ ओर कुछ ज़्यादा ही चला गया। अचानक से गाड़ी को मोड़ी गई दाएं ओर, गाड़ी के चक्के कुछ ज़्यादा ही आगे दूर तक फिसल गया और एक तो पानी और चिकला हुआ रास्ता देखते ही देखते गाड़ी का एक चक्का दाएं ओर के लास्ट तक दाब पहुंची। और इससे पहले कि ये लोग खुद को संभाल पाते, अगले ही पल देखते ही देखते गाड़ी 1000 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। स्टोरी विथ अरुण में अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियाँ। आज की कहानी दादी माँ, आरजे अरुण के साथ। जिंदगी में हम सब से हर रोज़ कोई ना कोई गलतियाँ ज़रूर होती है, कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी गलती। वैसे तो कुछ छोटी मोटी गलतियों की माफ़ी मिल भी जाती है, लेकिन कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, उनकी सिर्फ सज़ा होती है। 95 वर्ष की उम्र में उस बूढ़ी दादी माँ के साथ उनके बेटे बहुए ने जो अपराध और पाप किया था, उन सब की सज़ा उन्हें मिल रही थी। मरने के बाद भी दादी माँ एक बार फिर लौट आई थी अपनी पुरानी हिसाबों को चुकता करने और अपने बेटे बहुओं को उनकी करनी का दंड देने के लिए। उस तूफानी रात में हाईवे से करीब 1000 फुट नीचे गहरी खाई में वो गाड़ी जा गिरी थी, जिसमें दादी के बड़े बेटे और उसकी पत्नी बैठी थी। गाड़ी इतनी ऊंचाई से गिरी थी कि बाद में पुलिस को उनकी लाश तक नहीं मिल पाई। इस घटना से दादी के घर में त्रास और खौफ का माहौल पसर गया था। सारे बच्चे बहुत दुखी और घबराए हुए थे। तो वहीं दादी के छोटे बहू और उनके बेटे के ऊपर अब घर की सारी जिम्मेवारियां आ गई थी। लेकिन छोटी बहू का तबीयत तो पहले से ही बहुत ख़राब थी और इस घटना के बाद उनके मन में दादी का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इस घटना के बाद एक दिन छोटी बहू
चीखते हुए अपने पति से बोली, मैंने कहा था ना वो दादी लौट आई है, उसी ने मारा है बड़े भाई साहब और दीदी को, वो हम सबको भी मार देगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं, बुढ़िया जिंदा नहीं छोड़ेगी हम सबको, सबको मार देगी वो। इतना कहते कहते वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और दीवार पर अपना सर खुद ही पटकने लगी। बड़े ही मुश्किल से उसे शांत किया था उसके पति ने। अब तो उसके पति को भी ये लगने लगा था कि कहीं सच में इसे पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ने लगे। उसने सोचा शायद डॉक्टर ने सही कहा था कि इसे साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट करा देनी चाहिए, शायद अस्पताल में भर्ती होकर ही इसकी इलाज बेहतर ढंग से हो पाए और ये जल्दी ठीक भी हो जाए। दादी के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी की बीमारी और उसकी मानसिकता को देखकर उसे पागलखाने यानी कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट कराने का अब मंसूबा बना लिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ को उसके बिगड़ते हालात और पागलपन की सारी हदें जैसे पार होते जा रही थी। आज तो उसने हद ही कर दिया। दादी के खौफ और उसके डर से उसने जोर जोर से अपना सर दीवार पर फोड़ने लगी थी और खून से पूरा उसका सर लाल हो चुका था। उसके बढ़ते पागलपन के बिहेवियर और खौफ को देखकर यही सोचकर दादी के छोटे बेटे ने ये फैसला किया कि कल ही वो अपने पत्नी को ले जाकर उसे डॉक्टर के सलाह अनुसार साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट करा देगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर थी और यहाँ तो खुद वो मरी हुई दादी ही नियति बनकर इनकी जीवन कुंडली पर बैठी हुई थी। उस रात सारे बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे, चारों ओर गहरी सन्नाटा पसरा हुआ था, हर तरफ रात के अंधेरे ने अपनी फन फैलाई हुई थी। जैसे दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बहुत ही सन्नाटों वाली भयानक रात थी। दादी का छोटा लड़का और उसकी पत्नी दोनों एक कमरे में सोए हुए थे। दीवार पर टंगी घड़ी में टिक टिक करती हुई जैसे ही रात के 12 बजे सोई हुई छोटी बहू का आँख अचानक एकदम से खुल गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा बड़ा ही भयानक हो गया था उसका। उसने सीधे अपने बगल में सोए अपने पति की ओर देखा और झट से उठकर बैठ गई। उसकी चेहरे का रंग बदलने लगा था, आंखें लाल और बहुत ही भयानक हो गई थी और जैसे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान सी आ गई, एक बहुत ही खौफनाक और भयानक हंसी के साथ वो झट से उठी और कूद कर उसकी अपने पति की छाती पर जाकर बैठ गई। वो इतनी तेजी और फुर्ती से अपने पति के सीने पर जा बैठी जैसे कि कोई शेरनी अपने शिकार पर झपट्टा मारता हो, और फिर उसने अपने दोनों हाथों से कस कर उसकी गर्दन पकड़ लिया। जैसे ही उस आदमी का आंख खुला, वो अपनी बीवी के दोनों हाथों से अपनी गर्दन को जोड़ों से जकड़े हुए पाया। दादी के छोटे बेटे ने खुद को अपने बीवी से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वो बड़े ही अजीबोगरीब आवाज़ में बोल रही थी, लौट आई हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार दूंगी, देख लो मुझे, पहचानो, मैं वही बुढ़िया हूँ, बुढ़िया हूँ मैं, एक खौफनाक बुढ़िया। ये बोलते बोलते छोटी बहू अपने पति के गर्दन को जोर से दबाने लगी। दबाव इतना तेज था कि उसके पति की गर्दन की सारी नसें तन गई और बस अब सांसें रुकने ही वाली थी कि आनन फानन में उसने एक बार जोर से धक्का लगाया और खुद को उसके पकड़ से अलग किया। वो तेजी से बिस्तर से नीचे उतरा और जैसे ही दरवाजे की ओर लपका, उसकी बीवी अचानक से फिर दरवाजे पर आ गई और एक ऐसा पंच मारा कि उसे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल वो इतने जोर से जा गिरा था कि उसके बदन से खून आने लगे। उसकी बीवी की लाल लाल आंखें, चेहरे पर झुरिया, खुले हुए बाल और बड़े ही भयानक अंदाज में बोले जा रही थी। उसकी बीवी की वो चेहरा इतना भयानक और खौफनाक था कि उसके चेहरे में ही वो मरी हुई दादी की बूढ़ी चेहरे नजर आने लगी थी। वो चीखते हुए बोली, मार दूंगी तुम्हें, कोई नहीं बचेगा आज, मैं अपना बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही जाऊंगी, मार दूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी।
वो आदमी अब समझ चुका था कि ये मेरी बीवी नहीं बल्कि उस दादी माँ की रूह है जो उसकी बीवी के रूप में उस पर हमला कर रही है। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और इसी घबराहट और खौफ में उसने अचानक से पास रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधे अपनी बीवी के सर पर जोर से दे मारा, और अगले ही पल कुल्हाड़ी के बार से उसकी बीवी का सर फट चुका था। चारों ओर कमरे में बस खून ही खून बिखरा हुआ था और फर्श पर नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। डर और खौफ के कारण दादी के छोटे बेटे ने अपनी ही बीवी की कत्ल कर चुका था। उसे मारने के बाद जैसे वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा हो, वो चुपचाप खून से सने कुल्हाड़ी लिए सारी रात वहीं बैठा रहा, जैसे उसके बॉडी में अब कोई हरकत न रही हो, बस सुनाए में ताकत। वो सारी रात, अगली सुबह जब बच्चों ने घर में खून से लथपथ अपनी माँ की लाश देखी तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। अपने बीवी के लाश के पास ही वो आदमी शून्य की दृष्टि में देखता हुआ सारी रात अपने हाथ में कुल्हाड़ी से सने खून से सने वो कुल्हाड़ी लिए चुपचाप वहीं बैठा रहा। और बच्चों ने जब ये सारा खौफनाक नज़ारा देखे तो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ें सुनकर पड़ोसी भी आ पहुँचे और इसी आनंद फानन में किसी ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। कुछ ही पलों में पुलिस वहाँ पहुँची। दादी का वो छोटा बेटा अभी भी खून से सना वो कुल्हाड़ी अपने हाथ में लिए शून्य मुद्रा में अपनी मरी हुई बीवी को देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी में कोई हरकत ना हो, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा। एक अजीब सी साइकोलॉजी में बैठे वो आदमी बस चुपचाप वहीं पे बैठा हुआ था। सारे सबूतों के आधार पे उस आदमी को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा हुई और सारे बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया, और फिर उस घर को पुलिस ने हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। जिस शीश महल जैसे घर ललिता निवास में पहले जहां खुशियां और प्यार हुआ करता था, परिवार में सारे सदस्य के बीच जगमगाहट और अपनापन हुआ करता था, आज वही महल सुनसान और वीराना सा पड़ा है। दादी के बेटे बहुए ने जो अपराध किया था उनकी सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। माना जाता है कि दादी आज भी अपने उसी घर में यानी कि उसी ललिता निवास कोठी में रहती है। उस कस्बे के ललिता निवास के आसपास रहने वाले लोग और पड़ोसियों का कहना है कि वो दादी माँ मरने के बाद भी इसी घर में रहती है, वो आज भी उसी अपने ललिता निवास में रहती है एक प्रेत आत्मा और रूह बनकर। वैसे तो उस घर को पुलिस ने हमेशा के लिए सील कर दिया था, लेकिन दादी की भटकती रूह आज भी उसी घर में अपनी वही पुराने लाठी लिए लेंगड़ाते हुए इधर से उधर घूमते घूमते अपनी वही पुरानी दर्द भरे गीत गाती रहती है। वहाँ के आस पड़ोसियों और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दादी को आज भी अपने लट्ठी के सहारे रेंगते हुए उसी घर में सुने जा सकता है। वो अपनी दर्द भरी करुणा में आवाज़ में आज भी अपनी वही पुरानी दर्द भरा गीत गाती फिरती है, और लोगों ने अक्सर उनकी गीतों को सुना है, वही दर्द भरा गीत जो पहले वो गाती थी। सुनवा के पिंजरा से उड़े जइबो रे चिरैया, रह जइयो यहाँ सुने साने महले अटरिया, जइहे नाही संगे तोहर धने और दौलतवा, उड़े जइए अकेले ही प्राण के पखेड़ुआ। बस इतनी सी थी ये कहानी। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की कहानी, कहानी दादी माँ। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, कहा जाता है कि घर की सबसे खुशनुमा पल वो होता है जब हम लोग घर में अपने बूढ़े दादी दादा को देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। जिस घर में बड़ों को आदर और सत्कार ना हो, उस घर में खुशियाँ कभी भी दस्तक नहीं दे सकती, कभी भी नहीं।
जो माँ बाप हमें सहारा देते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वहाँ हमें हौसला देते हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़कर हम ज़िंदगी जीना सीखते हैं, ज़िंदगी के हर ऊंच नीच और सही गलत को जानते हैं, उसी माँ बाप के बुढ़ापे में हम उनका सहारा क्यों नहीं बन सकते। और जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को दुख तकलीफ़ अपमान तिरस्कार और मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, वैसे दुष्ट बेटे और बहुओं के साथ अंजाम क्या होता है, इसी की पृष्ठभूमि पर थी हमारी आज की ये कहानी। कहानी आप लोग को कैसी लगी कृपया कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंस बात कि प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब मैं फिर से आऊँ तो नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को नोटिफिकेशन में ज़रूर मिल जाए। तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फीलिंग्स इस कहानी के प्रति, आपके मन के विचार, सलाह सुझाव हमें ज़रूर और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आज के एपिसोड से मैं अरुण गिरी विदा चाहूँगा, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में मैं फिर से आऊँगा फ्रेंड्स एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए और अपने से छोटों को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वचन के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।